किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज हम कागजी नींबू में जो फलों का फटना है उस पर बात करेंगे। मैंने कई वेबसाइट पढ़ी, कुछ लेख भी पढ़े और इसी दौरान मुझे एक बहुत अच्छा लेख मिला जो हॉर्टिकल्चर प्लांट जर्नल में है और ये एक साइंस डायरेक्ट डाटाबेस है जो कि अनुसंधान का बहुत अच्छा कलेक्शन माना जाता है, उन्होंने इंडेक्स किया है और ये आर्टिकल 2017 का लिखा हुआ है। इसके वॉल्यूम 3 और 6 इशू में है और पेज नंबर 255 से 60 तक है। मैंने बनाया इसको मूल आधार और अपने इस आज के वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे समझ लेंगे और दूसरे भाइयों को भी बताएंगे और आगे से इस सवाल को नहीं करेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह हुई कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कुछ चीजें सही क्लियर ना हो, इसी चीज को मैं एक हिंदी लेख में लिखकर अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 1-2 दिन में उपस्थित होगी। आइए इस पर चर्चा। पहले हम ये समझते हैं कि ये नींबू का फल का फटना होता क्या है। किसान भाइयों, एक बात सोचिए कि आपके पेड़ पर बहुत फल आए हुए हैं और पेड़ फलों से भरा हुआ है। आप आशा कर रहे हैं कि अभी 15-20 दिन या 1-2 माह में आपके फल बाजार में बेचने लायक हो जाएंगे। एक दिन आप खेत पर जाते हैं और देखते हैं कि फल फटने शुरू हो गए, कितना दुख होता है इस बात। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि जब आपको लगे कि फल फटने शुरू हो गए या फट चुके हैं तो उसका क्या इलाज करें ताकि जो बचे हुए फल हैं वो ना फटे। जितने फल फट गए उनका कोई मूल्य नहीं मिलता और ये आपकी आमदनी में एक नुकसान होता है। आइए दूसरी चीज है कि क्या हम इसका पहले से ही कोई उपाय कर सकते हैं कि जिससे हमारे फल न फटे और जो नुकसान हुआ है वो ना हो। इसी को कहते हैं अच्छा प्रबंधन। तो आप भी करिए और मैं आपको बताता हूं इसके 2 भागों में अगले, एक में कारण क्या है और दूसरा इसके उपाय क्या है। आइए अब हम इसके कारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण जो है हम लेकर चलेंगे वातावरण। वातावरण में भी सबसे पहला कारण है कि गर्मी हो रही है और अचानक बारिश हो जाती है। इससे क्या होता है, जो आपका तापमान है अचानक बदलता है और जो पौधे का फल होता है उसका जो छिलका है वो इस वातावरण में आई चेंज को, यानी जो इसमें बदलाव आया है उसको सहन नहीं कर पाता है और उसकी वजह से उसका छिलका फट जाता है। तो ये ऐसा जब होता है जब गर्मियों में अचानक से बारिश हो जाती है। ये तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण है जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो इस गर्मी में आपका पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है, यानी कि उड़ने लगता है। इसका असर आपके खेत पर भी पड़ेगा, आपके पेड़ पर भी पड़ेगा और आपके फलों पर भी पड़ेगा। जब पानी की कमी होगी तो उससे नुकसान होना निश्चित है, तो भी फल फटने लगते हैं। यह हुआ दूसरा कारण। तीसरा कारण यह हुआ कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो क्या है कि नमी आ जाती है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से भी इस पर फर्क पड़ता है, तो भी छिलका इस दबाव को सहन नहीं कर पाता और वो फटने लगता है। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना। इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, अगर आप गोबर की खाद जिसे हम कंपोस्ट बोलते हैं अगर वो उचित मात्रा में नहीं करते हैं तो इससे जो आवश्यक तत्व है, जो गोबर से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति नहीं हो पाती
और ये आपके पौधे के जो फल हैं बनने में, उनके बीज बनने में, उनका रस बनने में और उनका जो छिलका है वो बनने में बहुत सहायक होता है। इससे भी हमारा फल फटते हैं। जो पांचवा कारण है वो है इन तीन मुख्य तत्वों के अलावा, जो हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बताई है, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। किसान साथियों, इसमें बोरोन एक बहुत महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रेंट है, जो आपका बीज और फल का गूदा बनने में बहुत काम आता है। और इसके अंदर मैं अधिक नहीं बताऊंगा, ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसे साधारण से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे हमें जो छिलका है उसमें लचीलापन आता है, आप ये देख लीजिए। जो अगर बहुत अधिक पढ़ना है तो प्रत्येक बिंदु इस पेपर में, जो जर्नल का आर्टिकल मैंने आपको बताया है, इसमें डिस्कस की हुई है, आप इसको देख लीजिए। दूसरे सूक्ष्म तत्व क्या है आप है, जिसे हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं। एक होता है जिब्रेलिक एसिड, हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। तो मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसका भी उचित मात्रा में प्रयोग करने से, सही मात्रा में, सही समय पर, जब हम बाहर शुरू करते फूल आने से पहले अगर आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसकी भी कमी से हमारा इसका ये कारण होता है। चौथा महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है इसमें कैल्शियम। तो किसान साथियों, ये जो चार सूक्ष्म तत्व मैंने बताए हैं, बोरोन, जिंक, कैल्शियम और आपको जिब्रेलिक एसिड, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है नींबू वर्गीय फसलों में। नींबू वर्गीय फसलों में मुख्यतः ये बीमारी नींबू और माल्टा में आती है। तो ये तो हुए इसके पांच कारण। अब इन कारणों से, पांच के पांच कारणों से, हम कैसे बचाव करें कि हमारा नींबू न फटे। और जब नींबू नहीं फटेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फसल खराब नहीं होगी, और जब नुकसान नहीं होगा तो आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं। किसान साथियों, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि नींबू में एक बहुत महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनिक दवाई है, जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं, वो है बोर्डो पेस्ट और बोर्डो मिश्रण। आप इसको 6 बार वर्ष में जरूर करिए, 1 माह छोड़कर प्रत्येक दूसरे माह अवश्य करिए। बोर्डो मिश्रण घर पर बनाइए, जिसकी विधि के कई वीडियो उपलब्ध हैं और हमारी वेबसाइट पर अमरूद की बागवानी भाग 4 में इसको विस्तार से बताया गया है। तो साल प्रत्येक माह में आप बोर्डो मिश्रण का, और अगर आप बोर्डो मिश्रण नहीं बना सकते हैं तो एक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाउडर, वो 50% WP यानी वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं और उसकी ड्रिंचिंग भी करिए। किसान साथियों, मैं प्रत्येक दूसरे माह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड छिड़कता हूँ और मेरे पौधों में कैंकर नाम की कोई चीज नहीं है और इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो ये मेरा अनुभव है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। तो आप इसको करिए, और इसके तने पर आप ऊंचाई के अनुसार 1/2 फीट से लेकर और आप 1-1.5 मीटर तक, जितनी पौधे की ऊंचाई हो, आप बोर्डो पेस्ट अवश्य लगाएं। और साल में 2 बार यानी जून के अंत में और अक्टूबर माह के अंत में अवश्य लगाएं। बोर्डो पेस्ट लगाने से आपके पौधे में बहुत फायदा होगा, कई तरह की बीमारियां नहीं होंगी, कीटों की नहीं होंगी, गोमोसिस नहीं होगा आपके पौधों पर, इस तरह की बीमारी, और ये आपका जो कैंकर रोग है इससे बचा रहेगा। और इसमें भी ये सहायता होता है क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। तो बोर्डो पेस्ट सबसे अच्छा और इसका जो उपाय है बहुत गर्मी को हटाने के लिए भी, आप इसको अवश्य कर दीजिए। आप इसे फरवरी के अंत में भी कर सकते हैं, मैंने किया हुआ फरवरी के अंत में किया था, तो ये मेरे उसको बचाएगा। अब आइए देखते हैं कि हम बहुत गर्मी से कैसे करें। आपके पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, बाग बहुत बड़ा है,
तो कोशिश करिए, आपने देखा होगा कि पश्चिम दिशा से बहुत गर्मी में लू चलती है, तो हो सकता है तो आप पश्चिम दिशा में इस तरह के पेड़ लगाइए अपने बाग के उसमें, ताकि वो तेज गर्म हवाओं को रोक सके। है मुश्किल काम, लेकिन आप बांस लगा सकते हैं, आप सहजन के पेड़ लगा सकते हैं, आप कटहल लगा सकते हैं, जो भी बाउंड्री पर लगा सकते हैं, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा इससे। इसके बाद आता है कि उसमें जो पौधे हैं, जब गर्मी जहां पर बहुत पड़ती है, जैसे गुजरात और राजस्थान का एरिया है या हरियाणा का एरिया है, वहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो आप पौधों के पास मल्चिंग का काम करें, जो भी घास फूस हो उनकी जड़ों में बिछाएं। इससे क्या होगा कि पौधों में नमी बनी रहेगी और पौधे सूखेंगे नहीं, डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होगा। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो मल्चिंग अवश्य करिए। तीसरा आता है खाद के बारे में, उर्वरकों की मात्रा। किसान साथियों, हमने बताया हुआ है कि एक दो वर्ष तीन वर्ष के पेड़ में, एक वर्ष के पेड़ में 10 किलो, दो वर्ष के में 20 किलो, तीन वर्ष के में 30 किलो, पांच वर्ष तक 50 किलो खाद डालते हैं, उसके बाद 50 किलो खाद डालते हैं। खाद सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप बकरी की खाद डालते हैं, बकरी की जो एंडी होती है उसकी खाद डालते हैं, कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए। यह चूंकि बहुत गर्म होती है, इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह कम हो। दूसरी उर्वरक में मैं कहूंगा कि फलों के फटने में यूरिया का भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो किसान भाई गोबर की खाद यानी कंपोस्ट कम प्रयोग करते हैं और यूरिया अधिक प्रयोग करते हैं, तो यूरिया केवल नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन ज्यादा होने से आपके फलों का फटना निश्चित है। ये एक कारण है। अगर यूरिया ज्यादा डालेंगे तो फलों पर प्रभाव पड़ेगा, और अगर उसमें आपने जो कंपोस्ट की मात्रा है वो कम कर दी, उचित मात्रा में नहीं डाली, तो बहुत खराब असर पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, गोबर की प्रचुर मात्रा डालते हैं गोबर के खाद की, उसके बाद डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है और पोटास भी डालते हैं। जितना डाई डालते हैं उसका आधा पोटास डाल दिए, तो ये तीन उसकी मात्रा पूरी हो जाएगी। अगर ये संतुलन बनाएंगे तो ये आपके उसमें सहायता करेगा। यह है तीसरा कारण। अब बात करते हैं चौथा उपाय, सूक्ष्म तत्व। किसान साथियों, मैं नावेद भाई से बात कर रहा था इस आर्टिकल को लिखने से पहले और इसकी जो रूपरेखा बना रही थी उससे पहले। बोरोन एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है नींबू के फलों में, और आप कुछ पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट कर देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 ग्राम बोरोन, 2 ग्राम चिलेटेड जिंक, प्रत्येक 2 माह में इसका स्प्रे करिए। इसमें आप जो हमारा स्टिकर है, जैसे शैम्पू का पोज मिलाते हैं प्रत्येक टंकी में, वो अवश्य मिलाते हैं, और आप फर्क देखना दोनों में। बाकी सब करना, पर ये 2 जरूर करना आप इसमें, बाकी आप फर्क देखना इसका पौधे का। बोरोन क्या करता है कि बोरोन बीज और फल बनने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इसकी कमी से जो छिलका है वो वातावरण के द्वारा जो तापमान होता है, जो तापमान में फर्क आता है, जो वातावरण में अलग अलग किस्म के, बहुत ठंड होगी, बहुत गर्मी हो गई या नमी हो गई, तो उसको छिलका झेल नहीं पाता और उससे छिलका फटने लगता है। तो बोरोन की कमी मुख्य बताई गई है, मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं जहां भी गया कि बोरोन की मुख्य कमी है, तो बोरोन का ध्यान रखिए। आपको पता होगा कि एक हमारी सीरीज है अमेजिंग आइडियाज, उसमें हमने बताया था कि बोरोन की जगह आप सुहागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना करना है, कैसे करना है, ये हमने अपने अमेजिंग आइडिया में लिखा हुआ है। इसके आगे चलते हैं कि आप बोरोन और चिलेटेड जिंक जो करते हैं, 1 ग्राम बोरोन 2 ग्राम चिलेटेड जिंक मिला लीजिए और आप प्रति लीटर में, और इसका स्प्रे करिए। अब बचता है एक जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या है? जिब्रेलिक एसिड जो है एक हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर जिसे बोलते हैं। तो
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जब आप फूल लेने की क्रिया कर रहे हो यानी हस्त बाहर की तैयारी कर रहे हो, तो जब पानी देते हैं उसके बाद आप जिब्रेलिक एसिड फूल आने से पहले अवश्य दीजिए, तो ये तभी से कार्य करना शुरू करेगा और आपके फलों में इस तरह फटने की समस्या नहीं आएगी। दो गलतियां बहुत बड़ी करते हैं किसान, और एक गलती वो मजबूरी में करते हैं, एक वो थोड़े आलस में करते हैं। जो मजबूरी में है यह क्या है कि वो बड़ी फसल लेते हैं, फसल के कई फसलों के कारण जो उसमें बीच में इंटरक्रॉपिंग करते हैं उनके कारण नींबू की सही देखरेख नहीं हो पाती, मल्चिंग नहीं हो पाती, नमी हम सही मात्रा में नहीं पा सकते, पानी देने का तरीका सही नहीं हो सकता, इस फसल में देना है इसमें नहीं दे सकते, उससे बहुत फर्क। तो नावेद भाई ने मुझे एक सुझाव दिया था कि त्यागी जी इसमें अगर इंटरक्रॉप करनी है तो पौधे से बहुत दूर करनी चाहिए, और कोशिश करें अगर न करें तो 2 साल अगर नींबू पर ध्यान रखेंगे और बीजू पौधा लगाएंगे तो सफलता आपकी बहुत जल्दी मिलेगी आपको। पौधे में ड्रिप, अगर आप नींबू की बागवानी के शौकीन हैं करना चाहते हैं तो ड्रिप अवश्य लगाएं। ड्रिप में पानी की बचत तो होती ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पानी बूंद बूंद कर जाता है, और जब बूंद बूंद कर जाता है तो वो बहुत नीचे तक जड़ों के पास तक जाता है, और ये नमी कई दिनों तक बनी रहती है। जबकि फ्लड जब हम देते हैं, नाली द्वारा पानी देते हैं, तो वो एकदम से आता है, जितने भी छिद्र हैं सबको बंद कर देता है, और थोड़ा पानी कुछ घंटे ऊपर भी पड़ा रहता है, और एक तरह से ऊपर रपटा सा लगा देता है, जबकि जमीन जो है ना सख्त हो जाती है। तो ड्रिप देने से एक तो नमी अधिक समय तक बनी रहती है, पानी की बचत होती है, और उसमें जो उसकी चारों तरफ है पेड़ के, वो बड़ी जमीन जो है ना पोपली होती है, और उसकी जड़ों के फैलने में बहुत सहायक होती है, और उतनी ही मात्रा में पौधा अपना जो है ना भोजन ग्रहण करता है और आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। तो किसान भाइयों, कागजी नींबू फल क्यों फटते हैं, इसके क्या कारण हैं, और इन कारणों को दूर करने के क्या उपाय हैं? आप बीमारी आए तब भी इलाज कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया है कि बोरोन और चिलेटेड जिंक का तुरंत स्प्रे करिए, बोर्डो पेस्ट लगाइए, और आप बोर्डो मिश्रण का भी स्प्रे करिए। इसका पहले से भी आप उपाय कर सकते हैं कि न आए, इच्छा है आपकी। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे अवश्य बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और अगर आपको बहुत पसंद आए इसे शेयर अवश्य करें दूसरों के साथ। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।